मेरे सामने एल्विश को थप्पड़ पड़ता है या एल्विश के सामने मेरे को थप्पड़ पड़ता है तो हम दूसरे बंदे को उल्टा थप्पड़ मारते हैं। कमिंग रिलेशन ही नहीं चाहिए, अपकमिंग रिलेशन ही नहीं अभी चाहिए, अभी हो गया है बहुत, सो करेंटली तो नो प्लान्स ऑफ। मुझे तो लगता है वड़ा पाव गर्ल को जीतना चाहिए था। शी इज आउट ऑफ द हाउस बाय द वे। व्हाई ब्रो, अब वो घर से बाहर आ गया, उसकी रीलें दिखेंगी। अगर वो जीत जाती ना तो 60 दिन 70 दिन शांति मिलती। तो OTT 2 और 3 का कंपैरिजन, आई डोंट नो, आई हैव नॉट वॉच द सीजन, बट जितना मुझे पता है कि गुनहगार को सजा भी नहीं मिली। क्या नाम है उसका, स्ट्रगल, अनन्या पांडे। ओके, and today we have with us Isha Malviya and Abhishek Malhan with us. Welcome to Instant Bollywood. Thank you. Thank you. कैसे आप? All good. आप बताओ कैसे हो? All well. Well, I'm also good. Well, congrats for जोर की बरसात हुई, इतनी जोर की हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है अब तो। रुकने भी नहीं चाहिए। Nice one. Like literally loved your performance. Love Isha in saree, hot look, dance moves. What a lovely performance. And I've never seen your romantic side before. It's so amazing. So I want to know that what's your on-screen chemistry? To dekh hi liye, it's super hot. And I want to know how about the, you'll talk about the off-camera chemistry. How is it? Bolo. Yehi hai chemistry. Acha. Yehi hai. Off-screen chemistry is, हाँ मतलब on-screen ऐसा है कि अभी हम बहुत comfortable हो गए हैं, तो कोई भी scene दिया जाएगा तो हम कर लेंगे अच्छे से, because we are comfortable with each other. Off-screen भी अच्छा ही है, ठीक ही है. चल रहा है. अच्छा ही है. चल गया काम, उतना ही है। 10 मिलियन हो गए। Exactly, exactly, so true. Like आपको शूट करते टाइम ऐसा कभी थॉट आया कि यार ये मोमेंट मुझे रियल लाइफ पे अपने पार्टनर के साथ भी मैं ये रिक्रिएट करूंगा या करूंगी? ईशा को आया होगा। तू कैसे, तू मेरे बारे में कैसे सोच रहा है? क्योंकि जैसे तुमने हाय भगवान इनको कैसे पता चला? नहीं सोचा मैंने, इसने सोचा होगा। I want to ask you, what's that one worst breakup line that you have ever received from in your life? Bata bata. Breakup line? No, after breakup lines I have. Which one? मैं ठीक हो जाऊंगा, अब ऐसा नहीं होगा, please. Oh God, give me one last chance. मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं, you deserve better. अब तो कोई नहीं बोलता यार। हर कोई बोलता यार। अच्छा तेरे सामने निकल गया ना, ठीक है। Okay. 3 lessons जो आपने previous relationship में learn की हैं and you wish कि upcoming relation में मेरे को ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। The fact upcoming relation ही नहीं चाहिए first of all. Oh, upcoming relation ही नहीं अभी चाहिए, अभी हो गया है बहुत, so currently तो no plans of date to marry. Yes, yes. Date to marry. ये तो बड़ा आशिकी वाला theme वाला माहौल हो गया। Breakup, patchup, इतना तो सोचा ही नहीं है। ब्रेकअप लेसन अभी तो मुझे याद नहीं, होंगे तो मैं बता दूंगा। Really? अभी नहीं याद नहीं सही में। ओके ईशा, आप जब अभिषेक के घर पे आई थी एंड यू नो उनके पेरेंट्स आपके साथ कितने अच्छे से बॉन्ड कर रहे थे, सो यू नो आई वांट टू नो हाउ वे दे लाइक दे वे यू एक्चुअली मेट देम फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम? ओह माय गॉड, दैट वाज आई मेट देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और एक्चुअली मेरी डिंपल आंटी और अंकल उस दिन थे ही नहीं घर पे व्हेन वी वेंट, वो कहीं गए हुए थे टू अटेंड देयर फैमिली मैरिज। तो अभिषेक ने कॉल किया आंटी को एंड अभिषेक वाज लाइक, अरे ईशा और उसकी मॉम घर पे आए हैं, तो आप लोग का क्या सीन है, मतलब आ रहे हो वापस या रुक रहे हो, क्या है? तो आंटी ने मुझसे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम बात की उस दिन, और आंटी ने बोला, अरे ईशा तू प्लीज डोंट गो, आई एम कमिंग, मैं और अंकल आ रहे हैं और तुझसे मिलने आ रहे हैं और मिलके ही रहेंगे हम लोग। तो मैंने इनकी तारीफ ज्यादा कर दी थी घर जाके, तो इसलिए उनको ये हो गया था कि मिले तो। थैंक्स। तो आंटी आई और मिली, और मेरे को ना जेन्युइनली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर
मेरे को आंटी से मिलकर लगा ही नहीं कि मैं उनको पहली बार मिल रही हूँ. आंटी और मेरी तो ऐसी वाइब मैच हुई, हमने इतना डांस किया, हमने इतना चिल किया, वी हैड अ लॉट ऑफ फन. और मैं तो इसको भूल भी गई थी कि अरे हाँ इसी के घर में हूँ मैं, ये भी रहता है. आंटी और अंकल से ही बातों में लगी हुई थी मैन. दे आर वेरी क्यूट यार, वो बहुत लविंग है, बहुत हैपनिंग है. और आई थिंक ऐसा नहीं कि वो मुझे ही ऐसे ट्रीट कर रहे थे. कोई भी अभिषेक का फ्रेंड घर पर जाएगा तो आई एम श्योर वो ऐसे ही वार्म वेलकम करेंगे. सो स्वीट. या आई रेड वन कॉमेंट है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के आई रेड वन कॉमेंट कि आप घर की बहू बन जा रही है. ब्रो मतलब ये तो ऐसी बातें हो गई. सब दिखाया, सारे फ्लोर्स पे मैं घूमी, रूम्स एंड एवरीथिंग. और स्पेशली नो निश्चय भैया का जो गेमिंग रूम है, इट इज ऑसम. निश्चय भैया इफ यू आर वाचिंग दिस, ब्रदर ग्रेट रूम. आपका फ्रेंडशिप विद एल्विश बहुत कंपैरिजन हो रहा है लव और विशाल के अकॉर्डिंग. लाइक दे आर कंपेयरिंग बिग बॉस 42 एंड बिग बॉस 43, लाइक हाउ देयर फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड इज लाइक. सो डू यू रियली फील दैट टू? मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मेरे सामने एल्विश को थप्पड़ पड़ता है या एल्विश के सामने मेरे को थप्पड़ पड़ता है तो हम दूसरे बंदे को उल्टा थप्पड़ मारते हैं. क्योंकि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी बिग बॉस घर के अंदर. और मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब जिसने भी मारा होता सामने से वो उसका जरूर पड़ता. अगर तो OTT 2 और 3 का कंपैरिजन आई डोंट नो, आई एम नॉट वॉच द सीजन, बट जितना मुझे पता है कि गुनहगार को सजा भी नहीं मिली. And do you wish कि आपकी और एल्विश की दोस्ती फिर से हो जैसे पहले थी? तो हमारी दोस्ती खराब कहाँ हुई है? हमारी दोस्ती because it's just that people get busy in like their day to day lives. उसके अलावा सब अपना काम कर रहे हैं, सब खुश हैं अपने घर. Okay. Are you following Bigg Boss OTT 3? No. But reels पे मैं देखती रहती हूँ. जो explore page पे आते हैं. Whom are you literally both are supporting कि ये deserve करता है? इतना क्लोजली हम देख ही नहीं पा रहे कि हम वो डिजर्विंग इंसान उसमें से देख लें. इतना अच्छे से हमने नहीं देखा है. वी जस्ट नो फ्यू ऑफ द कंटेस्टेंट्स. मुझे तो लगता है वड़ा पाव गर्ल को जीतना चाहिए था. शी इज आउट ऑफ द हाउस बाय द वे. व्हाई ब्रो? अब वो घर से बाहर आ गया, उसकी रीलें दिखेंगी. अगर वो जीत जाती ना तो 60-70 दिन शांति मिलती. क्योंकि वो अंदर जाके दिखी ना. Guys, what's that one habit that you want to change about yourself? Like, see, if I'm asking you, you'd suggest ki Abhishek ko kaun si habit change karni chahiye, and for Abhishek, Isha ko kaun si habit change karni chahiye? ये बहुत ज्यादा कुछ कुछ बोल सकता है बिकॉज़ उसके पास होगा, बट मेरे पास मुझे ऐसा नहीं कुछ लगता. मैं परफेक्ट कहना चाहती है मेरे को. हाँ, I don't think मैं हूँ ठीक है. But I think सारी चीज़ें ठीक है, बस ईशा को थोड़ा अपना पिच करेक्शन करना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा एक मतलब यहाँ भी बैठे होगी ना तो सब कहते हैं हाँ भाई ठीक है. अरे हाँ भाई ठीक है. नहीं एक्चुअली मेरा ना है ये प्रॉब्लम, मैं थोड़ा तेज ही बात करती हूँ, मैं तेज ही बोलती हूँ तो थोड़ा एनर्जेटिक ना. आप किसके बाजू में बैठे उसको फील नहीं होना चाहिए कि क्या एनर्जेटिक का मतलब ये नहीं होता ना कि ऐसे बात करे इंसान. ऐसे भी नहीं करती. आपको लगा मैं कब से आपसे बात कर रही हूं? आपको ऐसा लगा? नहीं अभी नहीं. अरे नॉर्मल है. तुम मेरी आवाज तीखी भी तो है ना, मतलब ऐसे लड़कियों वाली आवाज है ना थोड़ी, तो तुमको ज्यादा लगती है कानों में. या मे बी हो भी सकते हैं. डू यू व्हाट्स योर टेक ऑन ब्रेकअप आफ्टर ब्रेकअप वाला फ्रेंडशिप? भाई तो हो ही नहीं सकता, ये तो सीन ही गलत है. ये तो भाई हो नहीं सकता. कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकअप के बाद दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड पीपल देन, बिकॉज आप किसी के साथ इतना यू नो लंबे टाइम तक रहे हो और फिर कुछ बहुत बुरा हुआ आप दोनों के बीच में और आप अलग हो गए, एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी योर फ्रेंड? मतलब एग्जैक्टली नहीं हो सकता यार. आप वो कैसे आप अपनी पास्ट की फीलिंग्स को होल्ड करोगे या कैसे करोगे मुझे नहीं पता. जो लोग ये कर लेते हैं उनको सैल्यूट है, बट इट्स नॉट पॉसिबल. रेड फ्लैग टोटल राइट. मतलब रेड फ्लैग की बात नहीं है ऐसे, यूजुअली भी इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी. हाँ मतलब मुश्किल है थोड़ा, इट इज डिफिकल्ट. ओके चलो एक फटाफट छोटा सा एक सेगमेंट कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, जहाँ पे मैं आपको एक एक्टर की पिक्चर दूंगी एंड You can't see that, but Isha ko without bole action karke aapko batana hai ki ye kaun sa. You can't see the phone, okay?
मैं फुल मतलब आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। अच्छा ईशा बताइए। हां अच्छा आई एम गोइंग टू डू द एक्शन। इसका तो कोई सिग्नेचर भी नहीं है। कार्तिक आर्यन। भाई यार मैं कितना फास्ट हूं। ओके मेरे एक्शंस कितने फास्ट हैं। डोंट लेट एक्शन कोई फर्क नहीं। डोंट लेट सी दैट। होल्ड ईशा को आप इसको फिट होल्ड करो फोन। ओके 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 नाउ अभिषेक विल डू। यार इसके दो तीन है, मैं इसको समझ आएगा नहीं समझेगा। एक तो ऐसे ना रणबीर कपूर है क्या? सामरी आइटम जब से तेरे ने। ओह ओके नाइस नाइस। तुमने थोड़ा एग्रेसिवली टॉवल खोल दिया। हां वो थोड़ा एग्रेसिव था। अच्छा अब कौन देखेगा? ये देखेंगे ना, ईशा देखेंगे। अरे ब्रो क्या नाम है उसका? स्ट्रगल। हां अनन्या पांडे। ओके गुड वन। नाइस आम लाइक गेसिंग इज वेरी स्ट्रांग यू गाइस। नाउ मुझे पता है क्या लगता है धक-धक वाली। नहीं 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 देखो पता है कैसे बताओ यार कैसे इसका तो क्या ही है पता है इसका। चल इसका सीन बताता हूँ ठीक है। ऐसे होता है और ऐसे हाथ ऐसे अंदर जाता है और अक्षय कुमार यार इट्स एन एक्ट्रेस। अच्छा अच्छा ओके ओके एक्ट्रेस। अरे यार ये नहीं समझेगी यार। भाभी टू। अब तो समझ ही गए फिर भाभी टू तो। अरे हाँ एक्चुअली इसका एक्शन भी क्या है ना तृप्ति। अब इसका एक ही सीन पता है कि आती है रणबीर कपूर के सर हाथ यहाँ पर हाथ रखती है और उसके अंदर। I guess this one ईशा के लिए बहुत इजी होगा। You can't see. करे मतलब इज लाइक हां ओरी यस गुड वन। दिस इज द लास्ट वन। अरे यार फिर इसने माथा पकड़ लिया। इसका क्या व्हाट इज शी नाउ? प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण। गुड वन थैंक यू। गुड वन आई एम अपडेटेड। फनी आई एम नॉट अपडेटेड ना मुझे थोड़ा याद करना पड़ता है। Thank you so much, Isha. Thank you so much, Abhishek. It was lovely, lovely Thank meeting you. Hi guys, this is Abhishek Malhan. Hi guys, this is Isha Malviya. And you're watching Instant Bollywood.